नमस्कार मित्रों, मैं आपको बताऊंगा अक्षय तृतीया पे किस प्रकार हम अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं और क्या खरीदना चाहिए और कैसे क्या क्या काम हमारे लिए शुभ हो सकते हैं। मैं अक्षय तृतीया के विषय में आपको ये बातें बताऊंगा, साथ ही भगवान परशुराम के विषय में भी कुछ रोचक बातें बताऊंगा। कृपया पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुने और हो सके तो जो उपाय मैं बताऊं उनको करने का भी प्रयास करें ताकि आपके ग्रह अनुकूल हो सकें और अक्षय तृतीया पे किया हुआ आपका कर्म आपको बार बार फल अच्छा प्रदान करे। आइए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान परशुराम की जयंती और अक्षय तृतीया दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अक्षय तृतीया पे एक ऐसा योग था जिस योग पे किया हुआ कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। तो इसी उद्देश्य के लिए जमदग्नि ऋषि ने एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ के फल स्वरूप भगवान परशुराम का अक्षय तृतीया के दिन प्राकट्य हुआ था। मित्रों, अक्षय तृतीया पर परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वह अमिट है। परशुराम जी आज भी जीवित हैं, वह सप्त चरंजीवियों में आते हैं। मित्रों, परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु नाम के एक राजा का वध किया था जो महिष्मति का राजा था। उसका वध उन्होंने क्यों किया था? वह पिता के कारण किया था। वह पिता भक्त थे। सहस्त्रबाहु वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मति भ्रम होकर जमदग्नि जी के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने कपिला कामधेनु गौ को देखा और उसको ले जाकर बलपूर्वक अपने राज्य में रख लिया। जब परशुराम जी को यह पता चला कि सहस्त्रबाहु उनके पिता का अपमान करके कपिला गौ को अपने राज्य में बलपूर्वक छीन कर ले गया है, तो वह पिता के सम्मान के लिए सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाएं काट दी और उसको मृत्यु देकर वह गायें अपने साथ ले आए। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चला कि हमारे पिता का परशुराम जी ने वध कर दिया है, तो वह उनके अनुपस्थिति में जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। जमदग्नि ऋषि का वध होने के बाद उनकी पत्नी रेणुका उनके साथ ही सती हो गई। मित्रों, पिता और माता का इस प्रकार खो जाने के बाद परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रण किया कि वह क्षत्रियों से विहीन कर देंगे इस पृथ्वी को, और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। और अंत में महर्षि ऋषिक ने परशुराम जी को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका और अंत में परशुराम जी ने अश्वमेध महायज्ञ कर सप्त द्वीप पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी और समुद्र द्वारा उत्पन्न द्वीप पर महेंद्र पर्वत पर अपना वास करने लगे। महाभारत काल में भी भगवान परशुराम का वृतांत है। उन्होंने गंगा पुत्र भीष्म आचार्य द्रोण और सूर्य पुत्र कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई और एक बार भीष्म द्वारा अंबा का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर अंबा भगवान परशुराम से सहायता के लिए गई और वहां से भगवान परशुराम ने उसको सहायता का आश्वासन दिया और गंगा पुत्र भीष्म से युद्ध किया। यह युद्ध निरंतर 23 दिन चला जिसमें भगवान परशुराम गंगा पुत्र भीष्म को हरा नहीं पाए क्योंकि उनके साथ पिता का इच्छा मृत्यु का वरदान था। और वह गंगा पुत्र के उस युद्ध से इतने प्रभावी हुए कि उन्होंने प्रसन्न होकर उनको अपना श्रेष्ठ शिष्य का महत्व दिया। और ऐसा ही एक वृतांत आचार्य द्रोण के साथ भी गंगा पुत्र के साथ साथ देखने को मिलता है कि जहां पर भगवान परशुराम ने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया, वहीं आचार्य द्रोण जब उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ अपना दान दे चुका हूं, अब मेरे पास कुछ भी देने के लिए शेष नहीं है। तब चतुर आचार्य द्रोण ने कहा, भगवान मैं आपसे आपके अस्त्र शस्त्र के साथ आपके मंत्र अस्त्र शस्त्र की विद्या चाहता हूं। तो भगवान परशुराम उनको मना नहीं कर पाए और उनको समस्त अस्त्र शस्त्रों का विद्या मंत्रों के साथ दान दिया। ऐसे थे भगवान परशुराम। धन्य है वह युग में व्यक्ति जो परशुराम जी के सानिध्य जिनको प्राप्त हुआ। और हम लोग इसलिए धन्य हैं क्योंकि आज हमारे आराध्य भगवान परशुराम हमारे कलयुग में भी हैं और चिरंजीवी हैं
और वह निरंतर अपनी तपस्या कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब भी भगवान परशुराम का ध्यान करें और उनसे वह ज्ञान प्राप्त करें जिससे उन्होंने बुराइयों का नष्ट समूल किया। भगवान परशुराम जी को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको भगवान परशुराम जी का एक मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुने। ओम राम राम, ओम राम राम, परशु हस्ताय नमः। दूसरा मंत्र है, ओम चमधग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। मित्रों, इन मंत्र से आप भगवान परशुराम का जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, दोनों ही रूप में भगवान परशुराम प्रसन्न होते हैं और आपके अंदर अस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या का समावेश हो। मित्रों, अब बात करते हैं अक्षय तृतीया पे क्या दान किया जाए, क्या कर्म किया जाए जिससे हमारा अक्षय तृतीया पे किया हुआ फल अनंत अनंत हो जाए, अनंत कोटि हो जाए। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह अनुसार क्या किया जाए। सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहा है तो वहां पर आप फल का, फूल का, लाल फल और लाल फूल, गुड़हल का फूल, शहद और गेहूं अन्न का दान कर सकते हैं जिससे आपका सूर्य बलि होता है। मित्रों, अगर आपका चंद्र खराब है या चंद्र अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आप गंगा स्नान और दूध का दान कर सकते हैं जिससे आपका चंद्र बलि होता है। अगर आपका मंगल खराब है, तो आप मसूर की दाल, गुड़, चना, गऊ को या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपका बुध खराब है, बुध अच्छा फल नहीं दे रहा है तो बुध के लिए आप हरे मूंग की दाल गऊ को या ब्राह्मण को दें, गऊ को हरा चारा दें जिससे आपका बुध बलि होता है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आप गऊ दान कर सकते हैं, पीली वस्तु दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं और गऊ के लिए पीले रंग का गेहूं या पीले रंग का चना मिश्रित गेहूं दोनों मिलाकर गऊ दान कर सकते हैं। यह फल आपके बृहस्पति को बलि बनाता है। अगर आपका शुक्र कमजोर है, शुक्र आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो शुक्र के लिए आप श्वेत वस्तुओं का दान कर सकते हैं, श्वेत फल का दान कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप दही, शहद, दूध, घी इन तीनों को मिश्रित कर इसका सेवन भी अगर करते हैं तो आपका शुक्र फल अच्छा देगा। मित्रों, अगर आपका शनि खराब है, शनि अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आप धातु दान कर सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं, उड़द की काली दाल दान कर सकते हैं। और मित्रों, सबसे अच्छा उपाय शनि, राहु और केतु का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह खराब हों तो इनके लिए एक विशिष्ट दान है जो बताया गया है कि गऊ के लिए बिनोला, गेहूं, काले तिल और तेल, ये इन तीनों ग्रहों को अच्छा फल देने के लिए गऊ को या ब्राह्मण को दान दिया जाए तो हमारे यह तीनों ग्रह अच्छे होते हैं। मित्रों, यह दान आप अपने इच्छा अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। मेरा आपसे यह कहने का भाव नहीं कि ब्राह्मण को ही दिया जाए, ये आप गाय को दे सकते हैं, किसी गरीब असहाय को दे सकते हैं। जैसा वर्तमान में हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और कई लोग बेसहारा हैं, उनको अन्न धन का कहीं भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसे जरूरतमंद लोगों को भी यह दान दे सकते हैं। वहीं मित्रों, हमें अक्षय तृतीया पे और क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। मित्रों, केसर और थोड़ा सा पीला चंदन या पीली हल्दी, इनको लेकर एक टीका बनाएं। उस टीका को अपने महालक्ष्मी का, जो भी आपका स्वर्ण का या चांदी का सिक्का हो, उस पे लक्ष्मी को तिलक कर उसको अपने धन संग्रह करने वाले स्थान पर रखें। दोस्तों, दूसरा, अक्षय तृतीया पे हम क्या चीज खरीद सकते हैं, क्या चीज ले सकते हैं जिससे हमारे घर में, या ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारे घर में अष्टलक्ष्मी का वास हो। मित्रों, हर व्यक्ति का सामर्थ्य स्वर्ण खरीदने का नहीं होता। अगर आप मिट्टी का दिया या मिट्टी का कोई बर्तन भी खरीदते हैं तो वह भी आपके लिए शुभ है।
वहीं अगर आप कोई धातु खरीदते हैं, चंद्र से संबंधित हो या मंगल से संबंधित हो, सोना हो चांदी हो, तो वह भी शुभकारी है। दूसरा मित्रों, अगर आप कोई मौसमी फल खरीदते हैं तो वह भी लाभकारी होता है। दूसरा, अगर आप किसी को विद्या दान देते हैं या किसी को अन्न दान देते हैं तो यह भी अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला होता है। सबसे बड़ा दान कन्या दान भी होता है। मित्रों, 12 कार्य बताए गए हैं शास्त्रों में, अन्न, फल, स्वर्ण, चांदी, गऊं, कन्या और मौसमी, जो भी जैसे किसी की आवश्यकता के अनुसार दास को दान देना बहुत ही ज्यादा लाभकारी बताया गया है। किसी सेवक को अगर आप दान करते हैं यह भी बहुत लाभकारी बताया गया है। तो उनके मेरा कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम जरूरतमंद को अगर दान देते हैं, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो यह भी हमारे लिए अनंत अनंत कोटि प्रदान करने वाला, फल प्रदान करने वाला होगा। तो मित्रों, इसी के साथ आप सबसे मैं अगले कार्यक्रम के लिए अनुमति चाहता हूं कि अगला कार्यक्रम आपके लिए उपस्थित करूं जो आपके लिए लाभकारी हो। नमस्कार मित्रों, आपको पुनः पुनः भगवान परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।